हेलो एवरीवन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास टेंथ के इस चैप्टर का कार्बन कंपाउंड के सारे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को इस एक लेक्चर में देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस प्रेजेंट है जिसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है तो शायद आप अगर इस लेक्चर को देखें तो पूरा एक साथ जितने भी रिएक्शंस हैं सभी रिवाइज हो जाएंगे तो सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन

कि क्या होना चाहिए पहली बात एल्किन या फिर एल्काइंस होने चाहिए एल्काइंस जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है ठीक है दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है दैट इज अब इस इथीन में अगर हमें हाइड्रोजन ऐड करना है देन इट विल बी इनटू हाइड्रोकार्बन तो अब हाइड्रोजन ऐड करने के लिए इसमें कैटलिस्ट होना चाहिए निकेल कैटलिस्ट ठीक है तो हमें यह समझना हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप किसी भी ये जो आपके पास एल्किन्स प्रेजेंट है या एल्काइन्स प्रेजेंट है इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं ठीक है ऑन हीटिंग द एल्किन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ठीक है एंड निकेल और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट ठीक है तो क्या मिल जाएगा हमें एल्कीन के जगह ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइन में और ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए वेजिटेबल ऑयल क्या है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वेजिटेबल घी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वन रिएक्शन कंप्लीट नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल का फॉर्मूला होता है सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है और एसिड है सी एच थ्री सी डब्लू एच अगर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो इसमें एक ऑक्सीजन कम है यहां पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो अब यहां पर होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन तो अब ऑक्सीडेशन के केस में क्या होना है कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक और और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है एक होता है एल्कलाइन के यानी कि बेसिक के एम एन ओ फोर यानी कि पोटासियम पर हो सॉल्यूशन में और साथ में KOH हमने ऐड कर दिया के KOH के कारण वो हो गया एल्कलाइन और उसमें प्रेजेंट है के एम तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्कलाइन के एम और जो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है एसिडिफाइड के यानी कि इसमें आप बेस ए एक एसिड ऐड करोगे एच ठीक है और साथ में उसमें प्रेजेंट होगा के टू सी आर टू ओ सेवन जिसे और साथ में आप इस मिक्सचर को सॉल्यूशन को हीट करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका काम है जो भी सब्सटेंस है उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना तो आपके पास इथेनॉल रिएक्टेंट में है उसे क्या प्रोवाइड करना है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू एसिड एज वेल एज हीट एनर्जी इज रिलीज सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन अब थर्ड रिएक्शन है कि इथेनॉल इथेनॉल जितने भी एसिड्स हैं खास करके वो क्या होते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ में क्या बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस तो इथेनॉल के कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही होता है क्या होता है जो इथेनॉल है वो सोडियम से रिएक्ट करेगा और साथ में इस ऑक्सीजन के साथ ये सोडियम जुड़ जाता है और बनाता है सोडियम इथॉक्साइड दिस इज द ऑफ सोडियम इसे रिप्रेजेंट किया हमने कि ओ के ऊपर माइनस लिखा है और Na के ऊपर प्लस दिस इज इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस अब जो रिलीज होगा उसमें होगा हाइड्रोजन गैस तो इथेनॉल जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट करे देन इट विल फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की इस रिएक्शन में क्या है हमारे पास जो इथेनॉल है ठीक है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है जो इथेनॉल है अगर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया जाए इफ वी ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इथेनॉल देन इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू इथिन कि था इथेनॉल इसमें से ओ OH एच दोनों गायब और ये बन गया इथिन ठीक है सी टू एच फोर या सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू और साथ में हमें मिलता है वाटर एज अ प्रोडक्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ठीक है जिसे कहते हो आप ये इथेनोइक एसिड इसमें हमें मिला देना है इथेनॉल व्हेन वी मिक्स इथेनॉल विथ इथेनोइक एसिड ठीक है एंड हीटिंग द मिक्सचर जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसे हीट कर दीजिए देन वी विल गेट एन स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस विच इज नोन एज एस्टर क्या है? ये एक बेसिकली स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जिसका यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स ठीक है जैसे आप रूम फ्रेशनर वगैरह देख सकते हो है ना दिस इज दिस इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स और उसके साथ प्रेजेंट होगा वाटर तो क्या हुआ इस रिएक्शन में हमारे पास है सी एच थ्री सी ओ एच ठीक है अब इसमें ये हाइड्रोजन रिप्लेस ये एच और ये ओ OH एच हटकर बना लिया और और ये इधर इसमें हो गया तो CH3, C00, C2, H5, this is an ister, और इसे फॉर्म करने का नेक्स्ट रिएक्शन the है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें एक चीज और समझना है कि जो इथेनॉल है ठीक है इथेनॉल और और जितने भी एसिड्स हैं, वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों से रिएक्ट करेंगे और साथ में वो फॉर्म करता है क्या सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर सो इन दिस केस सॉल्ट इज सी एच थ्री एन इज ये क्या है ठीक है सोडियम इथेनोएट सी एच थ्री सी ओ एन ए प्लस सीओ टू प्लस वाटर नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सोप ठीक है इस प्रोसेस को बोलते सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जिसमें सोप प्रिपेयर किया जाता है सोप प्रिपेयर करने का क्या तरीका है कि जो आपके पास स्टर हमने जो स्टर प्रिपेयर किया उसमें एल्कली मिक्स कर दिया जाए और मिक्सिंग द स्टर विथ एल्कली एंड हीटिंग द मिक्सचर देन वी विल गेट सोप एंड ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल एक तरीके का एल्कोहल है तो हमें ये जो सात रिएक्शंस हैं, ये सेवन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पर्पस एज वेल एज इन दिस चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड थैंक यू